हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सदर बाजार का शॉपिंग हॉल। तो रिसेंटली मैं गई थी सदर बाजार और वहाँ से मैंने कुछ होम यूटिलिटी और ब्यूटी से रिलेटेड कुछ रैंडम स्टफ परचेज किया था, वही आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये मल्टी यूटिलिटी ऑर्गेनाइजर्स। ये प्लास्टिक के हैं, इनको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसमें अपनी कटलरी रख सकते हैं, बच्चों की स्टेशनरी रख सकते हैं या कॉस्मेटिक का सामान रख सकते हैं। मैंने भी इसे अपनी वैनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही लिया है। इनकी प्राइस है 30 रुपीज ईच। मैंने ये वाले दो खरीदे हैं और एक खरीदा है ये वाला। ये इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर है इससे और इसका प्राइस है 40 रुपीज। तो मैंने दो खरीदे हैं ये और एक खरीदा है ये। तो पहला था ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये भी एक ऑर्गेनाइजर है। ये प्लास्टिक का है और इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसे भी आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने बच्चों के कमरे में उनकी स्टेशनरी के लिए रख सकते हैं या फिर अपने किचन में इसे यूज कर सकते हैं या अपनी वैनिटी में मेकअप ब्रशेज और दूसरे टूल्स रखने के लिए इसे काम में ला सकते हैं। मैंने इसे अपने किचन के लिए खरीदा है। इसकी प्राइस थी 80 रुपीज। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये भी एक होल्डर है प्लास्टिक का। बहुत ही वाइब्रेंट इसका रेड कलर है। इसे भी आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने बाथरूम में रखकर इसमें टूथब्रश और पेस्ट वगैरह रख सकते हैं या अपने किचन में स्पून वगैरह या कटलरी रख सकते हैं या फिर अपनी वैनिटी में अपने मेकअप ब्रश वगैरह इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट था ये। इसकी प्राइस थी 30 रुपीज। नेक्स्ट मैंने परचेज किए हैं ये साड़ी कवर। ये ट्रांसपेरेंट साड़ी कवर है और ये 10 पीसेस का सेट है। मैं अपनी सारी साड़ियाँ एक साथ रखती हूँ तो वो एक दूसरे से उलझकर उनकी एम्ब्रॉयडरी खराब हो जाती है, इसलिए मैंने ये परचेज की है ताकि मैं इंडिविजुअल अपनी साड़ियों को स्टोर कर सकूँ। काफी बड़ा इनका साइज है। इसमें यहाँ पर जिप भी दी गई है, यहाँ से आप आसानी से अपनी साड़ी इसमें डाल सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। ये मुझे काफी अच्छे लगे। वहां पर इनकी काफी सारी वैरायटी अवेलेबल थी, वेडिंग ट्रूजों के लिए एम्ब्रॉयडरी और गोटा वर्क वाले काफी सारे वहां पर कवर्स अवेलेबल थे। मुझे मगर सिर्फ प्लेन चाहिए थे इसलिए मैंने ये सिंपल कवर खरीदे। ये 10 पीसेस का सेट है और इसकी प्राइस है 120 रुपीज। तो नेक्स्ट है ये। इसके बाद मैंने परचेज किया है ये गजरा। इसमें रेड और व्हाइट कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे हैं और गोल्डन कलर के बीड्स भी लगे हैं, जिससे देखने में ये बहुत ही प्रिटी लगता है। इसके दोनों साइड्स पर ये लूप दिए गए हैं, इसे आप आसानी से अपने जूड़े में या अपने बालों में पिनअप कर सकते हैं। वेडिंग सीजन में ये बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये ब्यूटी मिरर। ये ऐसे घूम जाता है। इसकी एक साइड पर आपको मिलता है नॉर्मल मिरर और दूसरी साइड पर मैग्नीफाई। इसकी वजह से आपको काफी बड़ा बड़ा दिखता है। इसकी बॉडी प्लास्टिक की है मगर ये आपको बिल्कुल स्टील का लुक देता है। इसके साथ एक स्टैंड भी है ताकि आप इसे आसानी से कहीं पे भी रख सके। इसकी बॉडी डिटेचेबल है, इसे आप अलग भी कर सकते हैं। इसमें भी वहां पर काफी सारी वेरिएंट्स अवेलेबल थी, प्लास्टिक के भी थे, मेटल के भी थे और कलर्स भी अवेलेबल थे। गोल्डन कलर भी था इसमें सेम, मगर मुझे ये वाला अपनी वैनिटी के लिए अच्छा लगा इसलिए मैंने सिल्वर परचेज किया। इसकी प्राइस थी 120 रुपीज। नेक्स्ट मैंने परचेज किए हैं अपने लिए ये बैंगल्स। ये न्यूड कलर में है, प्लास्टिक का इनका सोल है और काफी कंफर्टेबल है। मुझे ये काफी अच्छे लगे तो इसलिए मैंने इसे परचेज की डेलीवेयर के लिए। इसका प्राइस था 80 रुपीज। तो नेक्स्ट थी ये। नेक्स्ट मैंने परचेज की है कुछ ज्वेलरी।
सबसे पहले है ये मंगलसूत्र, ये एक शॉर्ट मंगलसूत्र है, मुझे शॉर्ट मंगलसूत्र बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसे परचेज किया और ये पहना हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्रिटी। तो इसकी प्राइस थी 10 रुपीज, ओनली 10 रुपीज। इसके बाद मैंने परचेज किए हैं ये इयररिंग, ये 6 पैर का इयररिंग सेट है, इसके अंदर आपको 6 जोड़ी इयररिंग्स मिलते हैं। इयररिंग्स में वहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल थी, हर तरह के इयररिंग थे। इनकी प्राइस है 10 रुपीज़। यही इयररिंग मैंने अभी पहने हुए भी है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये वाले इयररिंग भी मैंने सदर बाज़ार से ही ख़रीदे थे, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इनकी प्राइस भी है 10 रुपीज़। सदर बाज़ार से मैंने और भी ज्वेलरी खरीदी है, काफ़ी सारे नेकलेस और सेट्स वगैरह भी खरीदे हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने खरीदे हैं ये कुछ स्टोन्स, ये आर्टिफिशियल स्टोन्स हैं। जो आप अपने कपड़ों, चुनरी या अपनी ज्वेलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि ये सारी शॉपिंग मैंने सदर बाज़ार रुई मंडी से की है। यहाँ पर आपको किसी भी दुकान का स्पेसिफिक एड्रेस या शॉप नंबर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी गलियाँ हैं जिनमें आपको रैंडमली कुछ भी मिल सकता है, मैंने ऐसे ही खुद एक्सप्लोर किया गलियों में और वहाँ पर मुझे ये स्टफ़ ऐसे ही रैंडमली मिल गया। अगर आपको भी इनमें से कुछ सामान लेना है तो आपको सदर बाज़ार रुई मंडी में जाना होगा और ख़ुद एक्सप्लोर करके आप ये सामान ले सकते हैं। तो ये था मेरा सदर बाज़ार शॉपिंग हॉल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।